सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नई खबर, तस्वीर या वीडियो वायरल होता ही रहता है, जिसकी हकीकत जाने बिना लोग उसे काफ़ी शेयर भी करते हैं। तो वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो क्या है इस वीडियो के पीछे का सच, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ पकड़कर केक कटवा रहे हैं। साथ ही उस ट्वीट में ऐसा भी लिखा गया था कि मनमोहन सिंह को अपने जन्मदिन पर केक तक खुद काटने की इजाज़त नहीं है, तो फैसला क्या ही लेने देते होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने शांत स्वभाव के लिए बेहद ही मशहूर हैं, लेकिन अक्सर लोग उन पर ऐसी टिप्पणी करते हैं कि वो कांग्रेस की अध्यक्ष के कहने पर ही अपने सभी फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि वायरल हो रहा वीडियो भाजपा के सदस्य सीटी रवि ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे बाद में कई लोगों ने शेयर भी किया, जिसके वायरल होने के बाद हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो ये पता चला कि ये वीडियो 28 दिसंबर 2018 का है, जब कांग्रेस पार्टी अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही थी, जिससे जुड़े कुछ आर्टिकल्स भी हमें इंडियन एक्सप्रेस समेत कई न्यूज़ वेबसाइट्स पर मिले हैं। साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वायरल वीडियो से हूबहू मिलती एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी, और ये वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर भी 28 दिसंबर 2018 को पोस्ट किया गया था, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा बिल्कुल गलत है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।